प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज आप सभी को गुरु के राशि परिवर्तन से किन राशि वालों के लिए विवाह के योग बनने वाले हैं इसकी जानकारी देने वाला हूं। कुल 7 ऐसी राशि और लग्न के जातक जातिकाओं की मैं चर्चा करने वाला हूं जिनके लिए गुरु का ये प्रभाव विवाह के शुभ अवसर निर्मित करेगा और विवाह के मार्ग में आ रही सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने का कार्य करेगा। आप सभी ये तो जानते ही हैं कि 1 मई 2024 से गुरु का राशि परिवर्तन होने वाला है और ये परिवर्तन पूरे 1 वर्ष के लिए है, यानी अगले वर्ष 14 मई तक गुरु वृषभ राशि में गोचर करेंगे। और जिन जिन राशि वालों के विवाह के योग में आपको बता रहा हूं, पूरे 1 वर्ष के लिए इन राशि वालों के लिए विवाह का शुभ अवसर निर्मित होता रहेगा। अगर इस समय के बीच में जिनके विवाह के लिए आप प्रयास कर रहे हैं उनकी विवाह की दशाएं चलती है, उनके विवाह को कराने वाले ग्रहों की दशा चलती है, तो ऐसी स्थिति में आप ये देख पाएंगे कि इसी समय अवधि पर विवाह भी हो जाएगा और विवाह के मार्ग में आ रही परेशानियों से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो इसीलिए आप आज की वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें। अगर आप अपने स्वयं के विवाह के लिए, अपने संतान में आपकी कोई लड़का या लड़की है उनके विवाह के लिए देख रहे हैं तो ध्यान पूर्वक आज की वीडियो को देखिए। मैं आपको हर एक राशि के बारे में बताऊंगा, आपकी कोई भी राशि होगी तो उसे मैं कवर करूंगा, उसकी जानकारी आपको प्रदान करूंगा। तो इसीलिए आप वीडियो के साथ बने रहे। अंत में आपको शीघ्र विवाह हो जाए उसके लिए एक मैं उपाय बताऊंगा, वो उपाय भी आप कीजिएगा जिससे आपको जल्दी परिणाम अवश्य मिल जाएगा। अब आइए बिना विलंब के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जिन राशि वालों के लिए सबसे अधिक मजबूत योग बन रहे हैं उन राशि वालों के मैं आपको नाम बताता हूं। ये ऐसी राशियां हैं जिनके लिए अन्य राशि के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा मजबूत योग बनने वाले हैं। इसमें जो पहली राशि है वो वृषभ राशि ही रहने वाली है। अगर आप वृषभ राशि के हैं या फिर वृषभ लग्न के हैं तो इस समय पर आपके लिए प्रथम भाव में गुरु का गोचर होने वाला है और ये गुरु का गोचर इस समय अवधि पर आपके भाग्य को भी बढ़ाएगा और साथ ही साथ आपके जो सोचे गए कार्य थे जो पूरे नहीं हो रहे थे उन्हें बनाने का कार्य करेगा। इस समय पर विवाह के शुभ अवसर भी आपको प्राप्त होंगे और आप इस समय का पूरा सदुपयोग कर पाएंगे और आपके मांगलिक कार्यों में आपका जुड़ना हो, मांगलिक कार्यों में जो भी रुकावटें होंगी, यानी अगर आपको रिश्ते आते होंगे लेकिन या तो बात नहीं बन रही होंगी या फिर वो अंत में जाकर के परिणाम में कहीं ना कहीं कैंसल वाला प्रभाव आ रहा होगा, तो वो इस गुरु के गोचर से दूर अवश्य होगा और सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेगा जो विवाह के शुभ अवसर मजबूती से आपके लिए बनाएगा। तो इसीलिए ये पहली राशि है वृषभ राशि। अब जो दूसरे नंबर की राशि है जिसके लिए योग मजबूती से बनने वाले हैं वो राशि है कर्क राशि। जी हाँ, अगर आप कर्क राशि के हैं या कर्क लग्न के हैं तो आपके लिए गुरु का गोचर आपके लाभ भाव में होने वाला है। ये समय आपको लाभ तो देने वाला ही है लेकिन साथ ही साथ आपकी इच्छा पूर्ति करने वाला है, आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला समय ये गुरु के 1 वर्ष का गोचर रहेगा, जो कि आपके लिए सकारात्मक बात है। आपके जीवन में जो भी दुविधा परेशानी होगी उनको दूर करने वाली बात है और आप ये देख पाएंगे कि गुरु का प्रभाव विवाह के योग को मजबूत करेगा और आपको शुभ परिणाम भी अवश्य देने का कार्य करेगा। तो ये दूसरे नंबर की राशि है जिसके लिए भी अच्छे योग बन रहे हैं। तीसरे नंबर की राशि जिनके लिए मजबूत योग है वो राशि का नाम है वृश्चिक राशि। अगर आपकी वृश्चिक राशि है या फिर वृश्चिक लग्न है, दोनों ही अवस्था में विवाह के योग मजबूत है आपके लिए और आप अगर आपकी दशा आदि सपोर्ट कर जाती है, आपकी दशा में योग सब अच्छे होंगे, तो फिर आप देखेंगे बिना किसी रुकावट के विवाह भी हो जाएगा और आपको अच्छा परिणाम भी शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। तो ये प्रभाव वृश्चिक राशि और लग्न वालों के लिए आता है जो विवाह के लिए सकारात्मक है।
इसके बाद अगर हम अंतिम जो ये सबसे अधिक जिनके लिए योग बन रहे हैं उस अंतिम राशि की बात करें तो वह राशि है मीन राशि। मीन राशि के लिए गुरु का गोचर तीसरे भाव में होने वाला है और तीसरे भाव से गुरु का सीधा प्रभाव आपके विवाह वाले भाव पर आएगा जो विवाह के मजबूत योग बनाएगा। और इस पूरे एक वर्ष के अंतराल पर आप अगर अपना थोड़ा ही प्रयास जारी रखेंगे तो आपको परिणाम भी मिलेगा और आपकी चिंताएं भी मुक्त अवश्य हो जाएंगी, चिंताएं भी समाप्त अवश्य हो जाएंगी। तो इसीलिए ये चार राशियां जो है इन्हें इनके जातक जातिका लग्न हो या राशि हो दोनों ही स्थिति में आपका अगर ये आता है तो बिल्कुल विवाह के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए, आपकी कुंडली के अनुसार थोड़े उपाय कर लेना चाहिए जिससे आपको कोई भी रुकावट महसूस नहीं हो पाएगी। तो ये तो चार राशियां हुई। अब अन्य ऐसी राशियों की बात करते हैं जिनके लिए थोड़े मध्यम योग बन रहे हैं, थोड़ा अधिक एफर्ट लगाने पड़ेंगे लेकिन अगर दशा आदि सब ठीक होंगी, कुंडली के योग सपोर्ट कर रहे होंगे तो विवाह अवश्य हो जाएगा। यानी ये जो राशियां हैं इनको थोड़ा ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। तो जो पहली राशि है इसमें जिसके लिए थोड़े मध्यम योग है वह राशि है मेष राशि। अब वैसे देखा जाए तो मेष राशि और लग्न वालों के लिए दूसरे भाव में गुरु का गोचर होने वाला है। अब दूसरे भाव का गुरु ऐसा नहीं होता कि ये कोई विवाह में अच्छा परिणाम नहीं देता या फिर कोई खराबी देता है। दूसरे भाव का गुरु कुटुंब में वृद्धि करता है। तो कुटुंब में वृद्धि अलग अलग प्रकारों से हो सकती है लेकिन विवाह होने के चलते नया सदस्य जीवन में जुड़ जाए ये भी कुटुंब वृद्धि को दर्शाता है। इसीलिए इस समय पर अगर आप मेष राशि और लग्न के हैं, विवाह के लिए प्रयासरत है, आपकी कुंडली की दशा सपोर्ट कर रही है तो इस समय पर आपको परिणाम अवश्य मिलेगा। आपकी जो ग्रह अवस्था है उसके चलते विवाह का शुभ अवसर इसी एक वर्ष के अंतराल पर आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर अगर हम अगली राशि की बात करें जिसके लिए भी थोड़े मध्यम लेकिन योग बन रहे हैं वह राशि है यहाँ पर कन्या राशि। अगर आपकी कन्या राशि है या कन्या लग्न है तो आपके लिए नवम भाव यानी भाग्य भाव में गुरु का गोचर होने वाला है। ये समय भाग्य के लिए तो अच्छा रहेगा ही, साथ ही साथ आपके बहुत सारे कार्यों को बनाने वाला रहेगा, आपको चिंताओं से मुक्त करने वाला समय रहेगा जो कि निश्चित ही अच्छी बात है आपके लिए। और इसीलिए अगर इस समय पर आप विवाह के लिए प्रयास करेंगे तो विवाह का परिणाम भी आपको सकारात्मक मिलेगा। हाँ ये है कि थोड़ा अधिक आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे लेकिन अगर आप प्रयास रखेंगे तो आपको परिणाम मिल जाएगा और आपकी विवाह से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी। तो ये प्रभाव है अगली जो कन्या राशि का। अब इसमें ऐसी राशि जो आखिरी राशि है जिसके लिए मध्यम योग बन रहे हैं वह राशि है मकर राशि। अगर आपकी मकर राशि है या मकर लग्न है तो ऐसी अवस्था में आपके विवाह के लिए योग बनने वाले हैं, थोड़े मजबूत नहीं रहेंगे क्योंकि आपको पंचम भाव में गुरु का प्रभाव मिलेगा। ये गुरु ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए, नए लोगों से जुड़ने के लिए तो अच्छा होता है लेकिन कई बार विवाह के लिए थोड़े मध्यम योग बना पाता है। ऐसे में थोड़ा अधिक एफर्ट लगाना पड़ता है विवाह हो जाने के लिए जो आपको लगाना पड़ेगा लेकिन फिर देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे करके कम से कम स्थिति अनुकूल बन जाएगी। तो इसीलिए अगर आप इन राशि और लग्न के हैं जिनका मैंने नाम बताया, ऐसी सात राशि और लग्न बताए मैंने आपको जिनके लिए योग मजबूत बन रहे हैं। अब जो बची हुई राशियां हैं मैं उनकी जानकारी आपको देता हूं। जैसे मिथुन राशि है, मिथुन राशि के लिए गुरु का गोचर बारहवें भाव में होने वाला है, बारहवा गुरु चलने वाला है। अब बारहवें गुरु में आप जानते हैं यूं भी अगर आपकी राशि मिथुन है तो विवाह के योग नहीं बन पाते या विवाह होता नहीं है और लग्न भी है तो उससे भी इतनी मजबूत स्थिति नहीं बन पाएगी विवाह के लिए, ये मिथुन राशि वालों के लिए आता है। इसके बाद सिंह राशि वालों की बात करेंगे तो करियर भाव में यानी दशम भाव में गुरु का गोचर होने वाला। दशम भाव जैसा मैंने कहा करियर का भाव है ये, तो इस समय पर करियर में तरक्की मिलना, करियर में नाम सम्मान होना वो सब बातें बढ़ती है लेकिन इस समय पर आपको विवाह होने जैसा प्रभाव मिले इसके योग थोड़े कम ही रहते हैं। तो इसीलिए अगर आप सिंह राशि या लग्न के हैं तो थोड़े योग कम रहेंगे आपके। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली तुला लग्न या तुला राशि की है तो आपके लिए गुरु का गोचर अष्टम भाव में होने वाला है। अब देखा जाए तो अष्टम भाव में गुरु का प्रभाव ये जरूर देखने को मिलेगा कि आपके विवाह के योग इतने मजबूत नहीं करेगा। हाँ ये अवश्य है कि जब आगे के समय पर गुरु का गोचर गुरु वक्री होंगे जो वर्ष के अंत में होंगे उस समय पर आपके लिए कुछ प्रभाव बनेंगे, हालांकि मैं उसकी जानकारी आपको आगे जब गुरु वक्री होंगे उस समय पर अवश्य प्रदान करूंगा लेकिन अभी के समय पर तो आप ये समझ के चले कि तुला लग्न या राशि वालों के लिए भी जो विवाह के योग है वो इतने मजबूत नहीं बन रहे, उसमें थोड़ी कमजोरी का प्रभाव भी ज्यादा है। फिर इसके बाद अगर हम
अगली राशि की बात करें तो वो है धनु राशि। अब धनु राशि के लिए देखा जाए तो गुरु का जो प्रभाव है, इसे ये कहा जा सकता है कि ये गुरु छठे भाव में गोचर करेंगे, जिसके चलते यहां भी वही स्थिति लागू होगी कि ये बहुत ज्यादा विवाह के योग तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि छठे भाव से विवाह के लिए मजबूती नहीं आती है। लेकिन एक बात है कि जब आगे चल करके गुरु वक्री होंगे, गुरु का प्रभाव थोड़ा वृषभ राशि में बढ़ रहा होगा, उस समय अवधि पर थोड़ा इसका जो असर है गुरु का वो ज्यादा अच्छा मिल पाएगा, वक्री गुरु इनके विवाह के योग भी बना पाएगा। लेकिन वो जब वक्री होंगे तो उसकी जानकारी मैं आपको आगे प्रदान करूंगा जब गुरु वक्री होंगे। उसके लिए आप अभी से चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वो जानकारी आपको मिल सके। और अगर हम आज की आखिरी राशि की बात करें तो वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए भी गुरु चतुर्थ भाव में गोचर करने वाले हैं। अब चतुर्थ भाव घर में सुख सुविधा में वृद्धि करा सकता है, लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि इस समय पर विवाह के योग मजबूती से बन जाए, वो थोड़ा प्रभाव कम ही आ पाता है। इसीलिए मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप कुंभ राशि या लग्न के हैं तो इस समय पर विवाह के योग इतने मजबूत नहीं बन रहे, इसमें इस समय पर आपको विवाह के लिए जो शुभ अवसर है वो प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो ये तो वो राशि और लग्न सबकी जानकारी मैंने आपको दी, हर एक राशि हर एक लग्न मैंने कवर किया। अब मैं एक उपाय बता रहा हूं, जिनके लिए योग बन रहे हैं वो अगर इस उपाय को करेंगे तो जल्दी परिणाम मिलेगा, बाकी जिनके योग नहीं है अगर वो भी उपाय करना चाहे तो कर सकते हैं, परिणाम तो अपने समय से ही मिलेगा, लेकिन ये उपाय आगे फिर किसी प्रकार की रुकावट नहीं आने देगा, जैसे ही योग बनेंगे वैसे ही परिणाम मिल जाएगा। तो करना क्या है कि देखो, वृषभ राशि में अभी गुरु का गोचर एक साल होने वाला है। वृषभ राशि जो होती है वो खाने पीने की राशि होती है, जो हम फूड में लेते हैं, जो खाने में लेते हैं, उसकी राशि होती है वृषभ राशि। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, गुरु गन्ने का प्रतीक है, जो गन्ना होता है शुगर केन, उसे गुरु दर्शाता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि गन्ना ये इसका दान कर सकते हैं, ये किसी भी मतलब गरीब व्यक्ति को किसी मंदिर में किसी अन्य स्थान पर दे सकते हैं, या फिर ये किया जा सकता है कि गन्ने का रस निकाल कर उसका रस बनाकर उसे भगवान शिव पर अर्पित किया जाए, या किसी माता के मंदिर में वहां कोई छोटी कन्या हो उनको दिया जाए। ये काम प्रत्येक शुक्रवार को किया जा सकता है, या फिर प्रत्येक शुक्रवार करना किसी के लिए संभव ना हो तो महीने में एक दिन यानी पूर्णिमा के दिन तो अवश्य से करना चाहिए, और उस दिन भी अगर महीने के महीने करते रहेंगे तो इससे गुरु का असर अच्छा रहेगा, विवाह के मार्ग में आ रही परेशानियां भी दूर होंगी और परिणाम अच्छा मिल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको गुरु के राशि परिवर्तन का प्रभाव, जिससे विवाह के योग किन राशि और लग्न वालों के लिए बन रहे हैं, उसकी जानकारी दी है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें, कोई भी प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट करें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।